नमस्कार, आप देख रहे हैं आरए न्यूज। खबर फुलवारी शरीफ से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर अपराधियों ने दो लोगों को गोली मार दी, जिसे घायल अवस्था में पटना एम्स में एडमिट कराया गया। एक व्यक्ति को सीने में तो दूसरे को चेहरे पर गोली लगी है। घायल गाना अमर तस्वीर मलिका और जावेद मलिक है। बताया जाता है कि घटना फुलवारी शरीफ के टमटम पड़ाव के पास घटित हुई है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच घायलों को इलाज के लिए एम्स ले गई। बताया जाता है कि दोनों टमटम पड़ाव के पास फल दुकान पर खड़े थे, उसी दौरान दो की संख्या में आए अपराधियों ने दनादन गोली चलाने लगे, जिसमें तस्वीर मलिक को सीने में गोली लगी, जबकि चेहरे पर गोली के छींटे जावेद मलिक को भी लगे। दोनों को एम्स में इलाज करवाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं घायल तस्वीर मलिक ने बताया कि हारून कॉलोनी का रहने वाला ताज बिल्डर ने गोलियां चलवाई है। एक फ्लैट को लेकर पैसे का लेनदेन का विवाद था और उसी विवाद की वजह से पहले ताज धमकी दे चुका था और उसी वजह से आज गोली चलवाई है। अब देखना यह होगा कि इसमें पुलिस क्या खुलासा कर पाती है। आज टमटम पड़ाव पे गोलीबारी की घटना घटित हुई है। इसमें एक आदमी जख्मी है, इलाज के लिए एम्स में भेजा गया है। डॉक्टरों द्वारा खतरे से बाहर बताया गया है। घटना करने वाले की गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है।